जाने सलाम पेश करना अंशु बहादुर लीडर अल्लाह पाक मारदासा अंशु बहादुर वर्कर ए बलोचिस्तान नेशनल पार्टी संगता छो के सुमेन समाए बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी एक अदब वे के अस्ते इदाराए एरा हंचो दरिंदे उस्ताद आपका के हमा गलत के अस्ते बयानी और गलत के अस्ते ना सोच गलत सोच आगो वजी के अस्ते ना वजी चुप कांगो वजी बच्चा आगो गलत के अस्ते ना हिसाब खुदा हमें दरिंदा है उस्ताद सरेआम फांसी बाय दे हमें यूनिवर्सिटी दे मा हमें गेटा दे मा हमें दरिंदा है उस्ताद फांसी बाय दे मिली ताके ऐसी नसीहत भी के हंचो हंचो बलोचिस्तान अंदरा नबी सा नबी इंशाल्लाह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्कर हर बलोचिस्तानी हर बलोचिस्तान हर कौम के आबाद है हमें वाक्य कभी कबूल न कंत छे आप एक ऐसे बलोची रस्म रवाज मुताबिक दे बाज घटिया हरकत है बलोच न्याणी या ख्वा हर कबाइल न्याणी जंग रो जंग खत्म भी खूना मसला भी न्याणी बुरी खूने कैसे माफी मगर माँ हमें हुक्मरान गुशागा बाय दे हमें दरिंदा है उस्ताद बाय दे सरेआम फांसी दा वक्त रे कमी है मैं मरकदी कायदी निश्तिया दिल ता लोठी हमें दरिंदा है कैसे ना घंटा नी घंटा बेनकाब खना बे हुरमती खना में उस्तादे हमें घटिया है उस्तादे मगर वक्त कमी है अल्लाह हैर कंद अगर गढ़ तो मरकजा काल दासा गढ़ तो खाऊं इंशाल्लाह हमें दरिंदा है उस्तादे बेइज्जत दे खनू और इंशाल्लाह बे हुरमती दे हमें उस्तादा खनू शुमेबाज मेहरबानी के कर मजाए मर्शी के हस्ते रैली कश्ताओ मरकज बाज हिम्मत है और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी बाज वर्करानी हिम्मत है बीएसओ मजाए हिम्मत है और मैं न्यारिया नी मजाए हिम्मत है के मर्शियात कान हमें रोड छक्का निशान इंशाल्लाह गढ़ तो के हस्ते ना जरूर के हस्ते मौका मिल सा तब खाऊं मैं मरकज बाज मिन्नत वारा के मना दो अल्फाज गुशा गए खुदी बाद मिन्नतवार वस्सलाम जी अख्तर जान बलूचिस्तान पाइंदाबाद टाइम की वजह कमी की वजह से क्योंकि ऐसे हालात में हम बैठे हुए हैं जो बलूचिस्तान स्टिक स्कैंडल के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। अब मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा मोहतरम ठक्करी शफकत लांगो साहब से ख्वास करता हूँ क्या कि अपने ख्याल का इजहार करें। ठक्करी शफकत लांगो साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इससे पहले कि मैं तमहीद बांधूं इससे पहले कि मैं वजूहात आज की इज्तिमा का बयान करूं तो इस अदारे में जिसने नेशनल अवामी पार्टी के दौर में ये जो तोहफा बलोचिस्तान के अवाम को मिला इस तोहफे में आज के जो मुअत्तल वाइस चांसलर ने जो गुल खिलाए जो बलोच जो पश्तून जो हजारा माओ बहनों की असमत दरी की जो प्लान बनाया वो एक शर्म का मकाम है कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ए तालीमी दरसगाह ए इल्म की दरसगाह एक दानिश की दरसगाह है लेकिन उन्होंने यहाँ एक काबा खाना बनाकर वीसी साहब ये हम बता देना चाहते हैं कि आपने हमारी माओ बहनों के साथ नहीं आपने बलोचो माओ बहनों के साथ नहीं आपने पश्तून औजार हजारा बहनों के साथ नहीं बल्कि अपने बहनों की दलाली की है आपने।
आपने अपने बहनों की दलाली करके, क्योंकि ये दुनिया गोल है, ये मकाफात अमल है, जो दलाली आपने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में इन माओ बहनों के साथ की, इंशाअल्लाह अजीज वो दिन दूर नहीं, कोई एक ही माई का लाल आपकी बहनों का, आपकी बेटियों का भी दलाली करेगा। यहाँ बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में किसी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में इतनी फोर्सेस नहीं है कि यहाँ आपने लाकर पलटून के पलटून खड़े कर दिए। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में दलाली के लिए जो आपने काबा खाने खोले हैं वाइस चांसलर साहब, आप ये भूल रहे हैं कि किस लोगों के, किस बलोच बागैरत, किस पश्तून बागैरत, किस हजारा गैरत बंदों लोगों के आपने हाथ डाला है। इंशाअल्लाह अजीज आपके वो हाथ भी कट जाएंगे, आपकी आंखें भी नोच ली जाएंगी, लेकिन ये है कि आप, आपके पीछे आपके पुश्त बनाई करने वाले जो लोग ये समझ रहे हैं कि आप कुछ दिन बाद, ये जब लहर बैठ जाएगा कुछ दिन बाद आप आकर वापस इस निशस्त पे बैठ जाओगे, वाइस चांसलर की सीट पे बैठ जाओगे, ये इंशाअल्लाह अजीज बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, इनके कारिंदे, इनके वर्कर, इनके ये रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की क्यादत में आपको यहाँ इंशाअल्लाह न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि इंशाअल्लाह आपको बलोचिस्तान बदर करके दम देगी। दोस्तों और साथियों, ये इज्तिमा, आज का जो मजमा है, ये सिर्फ ये काफी नहीं है कि हम सिर्फ नफरत का इजहार करके आज शाम तक बैठे और हम चले जाएं, ये उस वक्त तक जरदा जारी रहेगा, ये आगे करके हमारे जो मरकजी कायदीन तशरीफ फरमा है, ये आगे आपको काल देंगे कि हमने क्या करना है, हमने रोड्स ब्लॉक करने होंगे, हमने यहाँ धरना देकर उन उस वक्त तक इन लोगों को इनके जीना हराम करना होगा, तब तक ये यहाँ के मासूम बहनों, मासूम माओं की जो इस्मत दरी की है उनको आखिरी दम तक करके दम हम दम लेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों और साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये दरसगाह बलोचों की अमानत है, ये दरसगाह पश्तूनों की अमानत है, ये दरसगाह यहाँ के तमाम अकवाम के लोगों की अमानत है, लेकिन यहाँ कुछ गुंडों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ दलारों ने, कुछ दलाली करके हमारी माओं और बहनों की जो अस्मत दरी की है वो शर्म का मकाम है। ये शर्म, अगर उनको गैरत नहीं आती तो आए हम उनको गैरत दिलाएं, आए हम उनको जोश दिलाएं, आए उनकी आंखें हम खोलने के लिए। ये माए बहने और ये इज्तिमा जो यहाँ बैठी है ये काफी नहीं है, आए इज्तिमात को अपने जोश जज्बे को, अपने तवानाई को बढ़ाकर इन नामुरादों को, इन दलारों को, इन खबीसों को वो सबक सिखाए जो हमारी बहनों, माओ और बहनों की अजमत दरी करते हैं। दोस्तों और साथियों, ये किस दुनिया के किस तालीमी अदारे में ऐसा होता है कि खुफिया कैमरे लगाकर अपनी घनौनी साजिशों को नाकाम कामयाब करे? ये दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बच्चियों को, दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बच्चियों को फेल करके, बच्चियों के पेपर, बच्चियों के थीसिस पे इतराजात करके उनको रिजेक्ट करें ताकि वो बच्चियां ब्लैकमेल होकर हमारे हाथ आ जाएं और अपने ताकि हम अपनी तस्कीन कर सकें। इंशाअल्लाह अजीज बलोचिस्तान नेशनल पार्टी इस सूबे का वाहिद कौमी और सियासी जमायत है। यहाँ हम वाइस चांसलर समेत उन तमाम जो बलोच है, जो पश्तून है, जो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हैं, उनका जीना हराम करके इंशाअल्लाह दम लेंगे। वसलाम।